नेक्सन वीजा कंसल्टेंट। यूके स्टडी वीजा अप्लाई नाउ गेट 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीट यूर कोर्स। नो कंसोलिडेशन चार्जेस, नो एप्लीकेशन फीस। एड्रेस राम गोपाल एस्टेट, विशन शाहरुख कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। सब्सक्राइब टू माई चैनल वॉइस ऑफ पानीपत एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन, नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स। नमस्कार, चुनाव पर महाकवरेज कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, 21 तारीख नज़दीक है। प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, जजपा, जितनी भी पार्टियां हैं, अदर पार्टियां हैं, सब चुनावी मैदान में हैं और दिन रात ये क्यों हैं। आज मैं ग्रामीण के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, ओम प्रकाश जैन, उनसे बातचीत करूँगा और आप देखना उनका कैसा सिस्टम है, कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रहने के दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। जैन साहब, पूर्व में आप मंत्री भी रहे हैं, आपके संबोधन जो है, भाषण है, भाषण में, क्योंकि एक तरफ तो सारे युवा चाह रहे हैं, आप उनसे बुजुर्ग हो, लेकिन आपका भाषण जो है बड़ा जोशीला होता है और जोशीले भाषण में आप ये बात जरूर कहते हो कि जितने विकास कार्य मैंने करवाए हैं ग्रामीण हल्के में वही चल रहे हैं। 5 इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट लड़े, 2 इलेक्शन जीता, 3 हारा। 2 के अंदर मुझे समय कम मिला। पहली बार 96 में केवल मात्र 7 महीने मिले और दूसरी बार 2009 में 1 साल 2 महीने मिले। 7 महीने के अंदर हमने जो कॉलोनियों को वादा किया था कि आपका विकास कराऊंगा, मैंने सारी कॉलोनियों में ईंटों का जाल बिछवा दिया था, बिजली और पानी का प्रबंध करा दिया था और सबसे पहले पानीपत का जो सेक्रेटेरिएट है, हमारे यहाँ जयवंती शोकन डीसी आ गई, उसने मेरे को कहा कि भाई ये एलएम मेहता जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो हरियाणा के अफसर हैं और बहुत बढ़िया अफसर हैं। 3-4 बार मैं दिल्ली गया डिप्टी कमिश्नर के साथ और उसकी मेहरबानी हुई कि खाली पड़ी ज़मीन को अम्बाड़े बदला, अम्बाड़े से ये ज़मीन दी और सेक्रेटेरिएट पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया नंबर 1 का सेक्रेटेरिएट बना। आज भी मेरा और हुड्डा साहब का वहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। दूसरा, ड्रेन नंबर 1 वास्ते 75 लाख रुपए में लाया था कि मेरी इच्छा थी कि काबड़ी से लेकर के सिवा तक ड्रेन को पूरी को खुदवाएंगे, इसको पक्का करेंगे, इसको कवर्ड करेंगे, कवर्ड करके इसके ऊपर मार्केट बनाएंगे ताकि गरीबों को रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके और बराबर में बहुत बड़ी इरिगेशन की ज़मीन पड़ी है वहाँ पर बाईपास बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पानीपत के अंदर पुल जो है हमारे लिए नरक बना हुआ है। उसका एक ही इलाज था कि ड्रेन नंबर 1 को का विकास कराए और नंबर 2 बस अड्डा मैंने मंजूर करा दिया था, 4 मंजिला, कि बस लिफ्ट से नीचे आए, लिफ्ट से ऊपर जाए और ताकि मतलब जो है नीचे का रस खत्म हो। हमने अपने टाइम के अंदर देशबंधु गुप्ता कॉलेज बनवाया जो कि गरीब आदमी का बच्चा छोटी से छोटी फीस दे करके अब पढ़ाई कर सकता है। 2009 के अंदर हमने जाटल रोड का पुल बनवाया, जाटल में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया, स्टेडियम लाया, ददलाने के अंदर CSC बनवाई जो कि अभी तक स्टाफ नहीं पहुंच पाया, डंगरों का अस्पताल बनवाया और स्टेडियम बनवाया, सिवा का बाईपास बनवाया और राजाखेड़ी के अंदर अंबेडकर भवन बनवाया और डहार के अंदर 3 चौपाल और बहुत सा विकास किया।
फिर जैन साहब चलो ये तो आपकी उपलब्धियाँ रही, महिपाल जी कह रहे हैं कि बड़ा काम करवाया, करोड़ों रुपये हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा दिए, कॉलोनियाँ अवैध थी उनको अवैध कर दिया, आपने भी इतने काम करवाए, महिपाल ने भी इतने काम करवा दिए, कॉलोनी वाले कहते हैं जी कुछ काम ही नहीं हुए, फिर कौन करवा गया इस कामों को? आप देखिए, अब मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ, इतना बुरा हाल है कॉलोनियों का, अब देखने पर भी रोना आता है। उनके मकान नीचे पड़ गए, बिजली के जो खंभे हैं तार हैं वो जर्जर हो गए, और कोई कदर नाम की चीज उनकी नहीं है। कौन सा विकास कराया हमने ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, पानीपत को निगम में लाने का काम किया, और निगम माने के बाद जो विकास के लिए पैसे आते हैं ये स्कीम के तहत आते हैं, ना कि कोई मतलब जो है किसी विधायक की एफर्ट से आते हैं। वो ही कहीं 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 जगह तो इतना बुरा हाल है कि लोग बाग चल भी नहीं पाते। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि महिपाल जी झूठ बोल रहे हैं जो सब अपने भाषणों में कह रहे हैं, और क्योंकि उनके संबोधन में ये चीज़ जरूर होती है कि 70 से ज़्यादा कॉलोनियाँ अवैध करा दी हमने, काम करवा दिए, लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके सामने है, आप मेरे साथ चलिए, कॉलोनियों में हालत देखिए कितनी बुरी है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। वो जो मैंने आपको बात की है कि निगम बनने के बाद कुदरती जो है उन कुछ कॉलोनियों का कि सड़कें गलियां नालियां बनी हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरा हाल है गलियों का, नालियों का, सड़कों का। तो ये मंदिर में बढ़े अके इन लोगों की एफर्ट से कोई काम हुआ हो, नहीं वरना मैंने आपको इतने काम गिनवाए, आप मैं मंदिर में बढ़ता हूँ और कसम खाता हूँ कि मैं ये चीज़ें पानीपत के लिए लाया। मौजूदा विधायक तो एक प्रोजेक्ट अगर लाया हो उसकी एफर्ट से एक ट्यूबवेल तक लगाओ तो मैं मान जाऊं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि शुगर मिल भी हम लेके आ रहे हैं, बस अड्डा भी हमने बाहर उप कर दिया, अमृत योजना जो पानी की योजना वो भी हम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने तो इतनी सारी योजनाएं गिना दी। जूट के पैर नहीं होते, दिखाए तो कौन सी चीज़ मतलब उसने की है, एक भी चीज़ करने का मतलब ही नहीं है। ये जो आपको पता है कि शुगर मिल इस सरकार के आने से पहले ही मंजूर हो चुका था, चौधरी बंसीलाल ने किया था ये, और कौन सी स्कीम ये लाए हैं कोई बतला के दिखाए, मेरे सामने आए कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट पानीपत में इनके आने के बाद नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि विकास कार्य आपने भी गिनवा दिए, महिपाल जी भी गिनवा रहे हैं, अब फिर क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? मतलब ऐसा सपनों का ग्रामीण का इलाका हो गया कि ग्रामीण हल्के में तो कोई दिक्कत कोई मुसीबत रह ही नहीं गई, फिर क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? ग्रामीण में सारी कॉलोनियाँ पड़ती है, उनके हालत देखिए, उनके बेचारे गरीब आदमियों के मकान नीचे पड़ गए, उनका बुरा हाल हो गया। चलने को आज भी अगर कॉलोनी का बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी ड्रेस जो है वो ठीक ठाक नहीं होती, तो इसलिए इनका ये कहना कि हमने विकास करा दिया, ग्रामीण में ही बुरा हाल है, शहर में फिर भी बहुत वो ठीक हो सकता है, लेकिन ग्रामीण में तो इतना बुरा हाल है गली नालियों में। मैं अब डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोग बाग अपने दुखड़े को इस तरीके से गा रहे हैं कि जैसे इनका कोई खसम खुसाई कभी रहा ना हो। कोई आगे के क्या प्रोजेक्ट हैं, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ, इस पे भी आप कुछ दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं? आप देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले अपने उसमें मैनिफेस्टो में जो 55 साल की औरत और 58 साल का आदमी होगा उसको 5100 रुपये पेंशन देंगे, और जो हमारी बेटियां हैं वो शिक्षा प्राप्त करेंगी
उनको मुफ्त में शिक्षा देंगे। गृहिणी को 2000 रुपये उसका जो है रसोई का खर्चा देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हुड्डा साहब ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर दे रखी है। लेकिन वो जो नेता आपके सामने खड़े हैं इस चीज़ों पर सवाल जरूर उठाते हैं कि ओम प्रकाश जैन कांग्रेस के कैंडिडेट अगर आपके बीच में आए तो उनसे ये पूछना है कि दो बारी वो मंत्री रहे हैं, दोनों बार आपका जो मंत्री पद है वो विवादों में रहा है, वो विवादों के नाम पर भी लोगों से आप ये बातचीत करते हैं, तो वो विवादों को कैसे आप दूर करेंगे, क्या उनके सवालों को क्या जवाब देंगे? ऐसा है, मेरे लिए सतबीर खाद्यान ने झूठे एफिडेविट तैयार किए, खड्डा मेरे लिए खोदा था और खड्डे में अपने आप जा गिरा, भाई को 7 साल की सजा हुई है और मैं अब बिल्कुल साफ सुथरा बेदाग होकर के जनता के सामने आया हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरे को फंसाया गया था उस टाइम? बिल्कुल, ये तो सारा हरियाणा जानता है, पूरा शहर जानता है कि जो मेरे विरोधी थे, क्योंकि ग्रामीण हलके में हमने जो है वो दिग्गज जो नेता थे उनको हराया था, उस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने झूठे लाछन लगा के हमारे पर ये बातें की। लेकिन आप देखें, कोई साबित हुए, कोई एक साबित हुआ हो तो मैं मान जाऊं। आज मैं जनता के बीच में हूं, कोई मेरे दामन पर कोई दाग दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। अभी क्योंकि मजबूत चेहरे हैं सारे आपके सामने, महिपाल डांडा बीजेपी से मौजूदा जो है विधायक है, सरकार भी उनकी है, उसके बाद जेजेपी का देवेंद्र कादियान है, इनेलो है, मजबूत मतलब चार जो मजबूत चेहरे आपके सामने हैं, आप भी दो बार अपने मंत्री रह चुके हैं, क्या समीकरण निकाल रहे हैं, कैसे निकाल पाएंगे सीट और कितने वोटों का मार्जिन रहेगा? देखिए मोटी मोटी बात है, आप मैंने 5 इलेक्शन लड़े, जितना समर्थन इस इलेक्शन में मुझे मिल रहा है पहले कभी नहीं मिला, और आज आपको मैं डंके की चोट पे बताना चाहता हूँ कि टोटल वोट में आधी में कांग्रेस पार्टी रहेगी और आधी में बाकी 2-3 जो कैंडिडेट खड़े हैं वो रहेंगे। मतलब बीजेपी हार रही है 100%, जनता में जाके पूछ लें। आप डांडे ने अगर काम किए होते तो उसके रास्ते में बुलडोजर रड़ाना, उसके खिलाफ जगह जगह बोर्ड लगाना, कई जगह तो उसके साथ ऐसी ऐसी वारदातें हुई हैं जो आदमी डूब के मर जाए। तो इसलिए मतलब जो है काम को सलाम होती है। मैं 5 इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ गया, इनमें से कोई सा भाई लड़के दिखा दे मैं मान जाऊंगा। अभी ग्रामीण में एक बड़ी हलचल ये हुई है कि अभी थोड़ी देर पहले अशोक तंवर जो हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दुष्यंत चौटाला को समर्थन दे दिया है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? उसका पहले कोई असर नहीं था, आज कोई असर नहीं है। कांग्रेस में कोई उसका जनाधार नहीं था कि जिससे उसकी वजह से कांग्रेस चल रही हो, बल्कि उसके जाने से कांग्रेस में जान आ गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बहन शैलजा जी की रहनुमाई में आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं आपके, कब आ रहे हैं? कल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कल 5 बजे नूरवाड़े के मैदान में आएंगे और अपने विचार रखेंगे। तो ओम प्रकाश जैन थे हमारे साथ, आश्वस्त लग रहे हैं जीत को लेकर, भारी मतों से जीत रहे हैं ये कह रहे हैं, इनका चार मजबूत चेहरे हैं लेकिन उनको डिनाई कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि बार बार विपक्ष ये जरूर सवाल उठाता है कि मंत्री पद के दौरान ये विवादों में रहे हैं, इनके ऊपर लांछन लगे थे, उनके ऊपर दाग हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने सही ढंग से जवाब दिया। देखते हैं अब 21 तारीख को क्या होता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।
बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत एएसएम आरओ लगाओ पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट 10% कैश बैक 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।